बॉलीवुड में कौन किस पर है भड़का और कौन लगा रहा है खबरों पे तड़का, सब पता चलेगा सिर्फ यहाँ विद मी रंगीली रुचि, ओनली ऑन बॉलीवुड कैफे। अनुष्का शर्मा कब करने वाली है शादी? अनुष्का शर्मा का नाम विराट कोहली के साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। अनुष्का हर नॉर्मल लड़की की तरह शादी करना जरूर चाहती हैं, बट शी इज इन नो हरी टू टाई द नॉट, क्योंकि फिलहाल वो उनके करियर के गोल्डन रन को एंजॉय कर रही हैं, इसीलिए अभी फोकस सिर्फ करियर पर है। अनुष्का ने उनके मैरिज प्लान्स को लेकर कहा, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स बट आई डोंट नो व्हेन विल इट हैपन, आई हैवंट थॉट अबाउट इट येट, मैरिज इज डेफिनेटली देयर ऑन माय एजेंडास इन लाइफ बट आई डोंट नो व्हेन विल इट हैपन। हाँ अनुष्का, विराट तो आपकी मुट्ठी में है ही, आप तो उनको कितना भी इंतजार करवा सकती हैं, है ना? दीपिका पादुकोण नेम्ड द सेक्सीएस्ट एशियन वुमन इन द वर्ल्ड। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को पहली बार सेक्सीएस्ट एशियन वुमन इन द वर्ल्ड का खिताब मिल गया है। इस टाइटल को जीतते हुए दीपिका ने फेमस एक्ट्रेसेस जैसे प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ और सोनम कपूर को भी पिछाड़ दिया है। दीपिका ने खुशी के साथ कहा, It does bring a smile to my face, but sexy means different things. For me, it's not just physical. Being comfortable with who you are is sexy. Confidence is sexy. Innocence and vulnerability is sexy. Congratulations, Mastani. कहना तो बनता ही है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। परिणीति चोपड़ा को पसंद आया बहन प्रियंका के बेवॉच का ट्रेलर। It's the proudest thing that Priyanka is a part of a big brand like Baywatch. Trailer is cut according to the story. Priyanka is going to be fantastic in the film because I've seen the stills and some stuff. Priyanka is looking amazing. ऐसा परिणीति ने मीडिया से कहा। परिणीति, आप तो हमेशा बड़ी बहन प्रियंका की तारीफ करती रहती हो, लेकिन वो टाइम कब आएगा जब प्रियंका आपकी दिल खोल के तारीफ करेंगी, हाँ? तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।